भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या SNS न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के थाने में से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक आदमी ने अपनी 40 वर्षीय बहन को लोहे के पाइप से पीट पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बहन के बेटे को भी मार मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसकी बहन ने उसके बेटे को डांट दिया था, जिससे वह नाराज हो गया था। मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को महाराष्ट्र राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वह राज्य सरकार को मराठा समुदाय आरक्षण आंदोलन में हस्तक्षेप करने का निर्देश दे। गोंदिया तहसील के बिरसी में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे पर निलंबित उड़ान सेवा फिर से शुरू होगी। भंडारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले को वित्तीय वर्ष 2023 में लगभग 37,50,000 मानव शक्ति का रोजगार सृजन का लक्ष्य था। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक करीब 28,41,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। यवतमाल मध्य प्रदेश के पांधुर्ना नेर बाईपास रोड पर बीती रात 1 बजे के बीच बोलेरो पिकअप वाहन से आ रहे 12 लाख के गुटखे के साथ नेर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। रविवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया। इसी जीत के साथ भारत ने अंक तालिका में शीर्षक स्थान हासिल कर लिया है, वही सेमीफाइनल का टिकट भी पक्का कर लिया है। नागपुर बिजली चोरी के मामले के चलते महावितरण को बिजली हानि के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए महावितरण ने बिजली चोरी रिपोर्ट करे और 10% इनाम पाए पहल शुरू की है। नागपुर के लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत दुनी मंगलवार स्थित खोबरागढ़े हॉस्पिटल में हुए सीनेमारी मामले का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 17 अक्टूबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि 6 से 8 महीने तक ट्रायल पूरा करे, यदि देरी होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा अपील कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने 8 महीने से जेल में बंद थे। इसराइल हमास के बीच जारी युद्ध के बीच भारत में फिलिस्तीन समर्थन में कई आयोजन किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इसी क्रम में रविवार रात को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे मुमरा इलाके में भी मुस्लिम समुदाय ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली।